हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। मैं हूं रतिकांत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, कुछ नया नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट मर्चेंट नेवी। तो दोस्तों, आज थोड़ा माहौल जो है थोड़ा दरिया के किनारे में हूं, तो थोड़ा पीछे जो वेव्स आ रहे हैं उसकी आवाज़ थोड़ा तगड़ी है, तो मेरा आवाज़ शायद थोड़ा लिटिल बिट क्रैक होगा। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि आप मर्चेंट नेवी से कैसे आप इंडियन नेवी ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मर्चेंट नेवी से रास्ता है इंडियन नेवी में ज्वाइन करने के लिए। तो आप कैसे ज्वाइन करोगे इंडियन नेवी, वो आज मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी में जैसे आप कई सारे ब्रांचेस हैं, तो आप जैसे मैं जीपी रेटिंग लेता हूँ, जीपी रेटिंग पास आउट होने के बाद फिर आप जैसे ज्वाइन करोगे, फिर आप डेक साइड या फिर इंडियन साइड कहीं पे तो ज्वाइन कर लोगे। फिर आगे जाके जैसे जैसे आप जहाज करते जाओगे, मतलब सी एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर आप सर्टिफिकेट वगैरह निकालते जाओगे, तो फिर आपका रैंक भी उसी हिसाब से आएगा। जैसे डेक साइड में हो तो आप एबल बॉडीड सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन, फिर आगे ऐसा ऐसा है, फिर इंजन साइड में आप मोटरमैन, ऑयलर, ऐसा ऐसा है। तो अभी बात है कि आप इंडियन नेवी में कौन सा पोस्ट में ज्वाइन करोगे और कौन सा भर्ती निकलता है इसके लिए, तो वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, इंडियन नेवी का जो डॉकयार्ड है, नेवल डॉकयार्ड में एक एंट्री निकलता है, एक पोस्ट निकलता है भर्ती, बोट क्रू। तो बोट क्रू के लिए आप एलिजिबल हो। आप पिछले साल भी निकला था 2018 में, आप चेक कर सकते हो, मतलब 100 बोट क्रू निकला था, वो विशाखापट्टनम ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में निकला था, 100 पोस्ट निकला था। तो उसका जो क्राइटेरिया है उसके लिए, मतलब आप एक्स मर्चेंट नेवी हो और वो मतलब जीपी रेटिंग पास आउट या फिर जैसे एबल बॉडीड सीमैन, सेरंग, ठीक है, ये सब रैंक में आप सर्व कर चुके हो मर्चेंट नेवी में, तो आप इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हो। उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, पूरा PDF फाइल है, आप पढ़ लोगे तो जान जाओगे। सेम आप कस्टम में भी ज्वाइन कर सकते हो। कस्टम का एक पोस्ट है, कस्टम मरीन विंग्स कस्टम का जो रिक्रूटमेंट निकलता है, तो उसके लिए एक्स मर्चेंट नेवी का जो एलिजिबल है वो एकदम परफेक्ट बैठता है। तो दोस्तों, ये है। और उसके अलावा आप कई सारे गवर्नमेंट पोर्ट ट्रस्ट है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उस पर भी कई सारे वैकेंसियाँ निकलता है पोर्ट ट्रस्ट में। या फिर आप बहुत सारे अकेडमी हैं, इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वहाँ पे कहीं पे आप आ जाए, मतलब सीमेंस इंस्ट्रक्टर नहीं, मरीन इंजीनियरिंग इंस्ट्रक्टर, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा है। तो आप जो है मतलब प्रॉपरली गूगल में फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप मतलब बड़े पोस्ट पे जाते हो, जैसे आप कैप्टन नहीं तो चीफ इंजीनियर वगैरह, बड़े रैंक से आप मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहते हो और गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हो, तो आप फिर पायलटिंग वगैरह कर सकते हो बड़े बड़े पोर्ट ट्रस्ट में। और या फिर जैसे आप इंजन साइड से हो, आप पोर्ट ट्रस्ट में जो टक्स वगैरह है, टक पे आप इंजीनियर आज टॉक इंचार्ज में ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप जैसे हमारे देश में है इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट जो है IWTI, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर बाकी कंपनी लाइक DCI, SCI, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उनका जो मैनेजर वगैरह पोस्ट में, ठीक है। और ONGC एक है, बहुत बढ़िया फील्ड है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका भी जो भर्ती निकलता है, खास करके रोस्टा बोर्ड वगैरह जो पोस्ट है उसके लिए भी आप परफेक्ट बैठते हो। तो दोस्तों, आप फिर गूगल में जाके जो जो मैंने बताया, जैसे ONGC, इंडियन नेवी, कस्टम और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंजन ड्राइवर या फिर ग्रीजर या फिर सेरंग डेक सारंग में भी ज्वाइन कर सकते हो। जो जो मैंने शेयर किया, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, ONGC, कस्टम, डिफरेंट वेरियस पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, कोची पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ये सब जो है, और फिर IWTI, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये सब जो है
इनमें आप कई सारे तमाम वैकेंसियाँ निकलता है दोस्तों, तो इस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप जाके इसका जो प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन है वो जाके आप गूगल पे सर्च कर लो, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो इसमें। तो ये था दोस्तों कि आप मर्चेंट नेवी से कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, ठीक है। तो यही सब जॉब क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए कि मर्चेंट नेवी में आपको थोड़ा जो लॉन्ग टर्म वॉयज मार के आप उग चुके हो, या फिर आपको थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है कि अभी यार कौन इतना दिन दरिया में रहेगा, चलो कोई दूसरा सेक्टर चेंज करते हैं, तो आप ये सब फील्ड में आराम से, बड़े आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज के लिए, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। फिर अगले वीडियो में आपको और कुछ ऐसे ही कुछ नया चीज़, नया डाटा लेके आऊँगा आपके साथ। चलिए फिर, टिल देन गुड बाय।